भारतीय रेलवे एक चमत्कार भरी यात्रा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल माय स्टेफा में। हम जाने वाले हैं भारतीय रेलवे की यात्रा पर। प्रकृति से लेकर जगह जगह की सांस्कृतिक कल्चर को अपने साथ समेटे हुए भारतीय रेलवे एक बहुत ही बड़ी रेल लाइन सिस्टम है। चलिए आज हम इन्हीं सब के बारे में जानते हैं और इस यात्रा पर निकलते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। इंडियन रेलवे, देश की जीवन रेखा कहे जाने वाली इंडियन रेलवे रोजाना लाखों हजारों लोगों को यात्रा करवाती है और एक दूसरे से जोड़ती है। ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है। इन रेलवे का इतिहास भी उतना ही सुहाना है। 1853 में मुंबई और थाने के बीच में सबसे पहली इंडियन रेलवे चली थी और उसके बाद से ये बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गई है। अब इंडियन रेलवे 71,000 माइल्स के ट्रैक पर ऑपरेट करती है विद 8,000 कवरिंग स्टेशन। इंडियन रेलवे की एक बहुत ही बेहतरीन खूबी है, यहाँ पर हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ है। इकोनॉमी से लेकर लग्जरीज क्लास तक, से कि पैलेस ऑन व्हील्स जो कि बस लग्जरीज लोग ही उसे अफोर्ड कर पाते हैं, वहाँ से लेकर और बजट फ्रेंडली जैसे कि इकोनॉमी क्लास तक, भारतीय रेलवे में हर क्लास के आदमी और पीपल के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। जब हम व्यस्त शहरों से गुजरते हैं तब हम वहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर आधुनिकता और परंपरा का एक मिलन है। भारतीय रेलवे खुद ही इंडियन सांस्कृतिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ सुंदर आर्किटेक्चर और घूमते हुए जीवन दिखाई देते हैं। भारतीय रेलवे के साथ ट्रैवल करना एक वास्ट एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि भारतीय रेलवे आपको देश की सुंदरता को नजदीकी से देखने का मौका देती है और अलग अलग अपरिचित लोगों से बातें करने का भी मौका देती है। और वहाँ के डिफरेंट लोकल फूड को आप टेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक रियली गुड फीलिंग बताई जाती है। बातचीत खत्म करके आते हैं इंडियन रेलवे की भोजन की तरफ। भारतीय रेलवे की ऑनबोर्ड जो फूड फैसिलिटी है वो सबसे कारीगर मानी जाती है। प्रत्येक विशेष आहार से लेकर के अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग प्लेसेस के फूड को आपको टेस्ट करने का मौका देता है। सुरक्षा इंडियन रेलवे के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। सिग्नल सिस्टम से लेकर ट्रैक्स की नंबरिंग की जाना और उसे कैसे ऑपरेट करना है, इसे पूरी फंक्शनल वे में ऑपरेट करना और सख्त सुरक्षा प्रोत्साहन जैसे उपायों को जीवित करना। ऐसा नहीं है कि भारतीय रेलवे बस ऑपरेट ही करती है, ये वर्ल्ड को लेकर उतना ही चिंतित है जैसा कि अपने पैसेंजर्स को लेकर करती है। पहले भारतीय रेलवे में ज़्यादातर ट्रेनें ऑयल और कोल बेस्ड हुआ करती थी। कदम भारतीय रेलवे का पहला ग्रीन फ्यूचर कदम माना जा रहा है। निकटता और तकनीकी से आगे भारतीय रेलवे ने अपने विरासत भरी ट्रेनों को भी सुरक्षित किया है, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। दोनों रेलवे ट्रैक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है और ये प्रकृति से भरे मनोरम दृश्य को हमें अनुभव कराने में कारगर है। अब हमारी भारतीय रेलवे की यात्रा का समापन होने वाला है। वैसे भारतीय रेलवे बस एक यात्रा करने का साधन नहीं, ये भारत के लोगों की आत्माओं को जोड़ने का काम करती है। डाइवर्सिटी का जश्न है, ये लोगों की यूनिटी का प्रतीक है। वो सफर है जो लोगों को छूने वाले, मन में एक गहरा सा प्रभाव डाल जाती है। दैट्स फॉर ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you.